बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकंड क्लास के मैथ का थर्ड चैप्टर, हाउ मच कैन वी कैरी, कि हम कितना उठा सकते हैं, यानी कि इसमें हम वजन की बात करेंगे। भार कोई भी कितना हम उठा सकते हैं, किस तरह से हम भार को मापते हैं, ये चीज इसमें जानेंगे। देखो, द क्लेवर डंकी एंड हिज हैवी शैक, चालाक गधा और उसकी भारी सी बोरी, उसके ऊपर भारी सी बोरी जो रखी हुई, उसकी बात हो रही है। संदेश हैज ए, क्या है ये? डोंकी। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट इन इट्स बैक। तो उसके गधे के ऊपर संदेश ने क्या रखा है? नमक से भरी हुई बोरियां जो लेके जा रहा है वो। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस ए रिवर। और जब मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है तो रास्ते में एक नदी आती है, नदी की है बेटे पिक्चर, है ना। वन डे, एक दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, द, ये क्या है, डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इन टू द रिवर, फिसल गया और नदी में गिर गया। वेन इट गोट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट। और जब वो उठा तो उसको अपनी जो बोरियां थी उसके ऊपर वजन था वो हल्का महसूस हुआ। अब तुम गैस व्हाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। अब तुम सोचो कि जब वो एक बार गिरा और फिर खड़ा हो गया तो हल्की कैसे हो गई उसकी बोरियां, सोच के बताओ मुझे कैसे हुई। बेटा, नमक की बोरियां थी और नमक को जब पानी में डाल देंगे तो नमक पिघल जाता है ना, तो बोरियों का कुछ नमक पिघल के पानी में मिल गया, इसलिए बोरियां हल्की हो गई, है ना। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइड टू टेक ए डिप। और जब उसने सोचा कि ऐसे तो तेरा वजन हल्का हो जाता है, अगले दिन वो फिर से जान पूछ के एक उसने डुबकी लगा दी। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। और अब उसको संदेश को पता चल गया कि गधा जान पूछ कर डुबकी लगा रहा है। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक ऑफ वुलन क्लॉथ इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट। और अगले दिन संदेश ने उसके ऊपर क्या रखा? वुलन, ऊन के जो बोरियां थी वो उसके ऊपर रखी। अब की बार नमक नहीं था। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। अब वो अगले दिन जब वो वुलन कर लेके जा रहा है तो जब नदी में डिप करेगा तो फिर क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा? भाई, वुलन के कपड़े हैं, वुल है, तो पानी में भीगने के बाद वो भारी हो जाता है ना, तो आज उसको डंगी को और भी ज्यादा वजन लगेगा क्योंकि उसमें पानी उन्होंने सोख लिया है, वुल है, कॉटन है, ये पानी को सोख लेती है, ठीक है। तो बेटे, इसमें हमें पता चला कि नमक भीगने के बाद पिघल जाता है तो हल्का हो जाता है, और जो वुल है उसको पानी में डिप करेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा और वो और भी भारी हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं। राजू वांट्स टू राइड ए सीसा। राजू सीसा पर राइड करना चाहता है। राजू नीड्स ए फ्रेंड टू राइड सीसा। अब सीसा पे तो दो बच्चे बैठेंगे तभी तो उसमें झूले झूल सकेंगे वो। रानी कम्स टू हेल्प। अब रानी आ गई इसके साथ झूलने के लिए। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। परंतु अभी भी राजू नहीं इसके ऊपर राइड कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो, रानी हल्की है और ये नीचे ही टिका हुआ है, राजू हैवियर है और रानी हल्की है, इसलिए नहीं झूल सकता, है ना। सर्कल द करेक्ट आंसर। अब सही आंसर तुम्हें बताना है, राजू हैवियर है या लाइटर है रानी से। हैवी मीन्स होता है भारी, लाइट मीन्स हल्का, तो रानी ऊपर उठी हुई है इसका मतलब रानी हल्की है और राजू भारी है, तो ये हैवियर वाला राइट अपने। इसी तरह से यहाँ पे झूल रहे हैं। असलम कम्स टू हेल्प देम। अब असलम आ जाता है। अब पिक्चर में देखो, ये असलम इधर बैठा है, ये दोनों यहाँ पीछे आके बैठ गए हैं, है भाई। कैन यू टेल वाई द सीसा टर्न दिस वे। अब तुम बता सकते हो कि अब कैसे झूला, राजू इज हैवियर या लाइटर देन रानी एंड असलम। रानी और असलम दोनों बैठ गए यहाँ पे और ये अभी राजू इधर है, तो ये बताओ अब कैसे झूल रहे हैं, क्योंकि राजू अभी देखो हल्का है कि भारी है, जिधर दोनों तरफ बैठे हैं उधर ये तुम्हारा सीसा है, ये झुका हुआ है, इट मीन्स इन दोनों का वजन भारा है, राजू हल्का है, तो यहाँ पे आएगा
राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम, जब दोनों इकट्ठे बैठे हैं तब तो, और जब अकेली रानी थी तब राजू में वजन ज्यादा हो रहा था। ठीक है बेटा, आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। तो अब वो कह रहा है कि मैं अपना बैग भी रख लेता हूँ, अब मैं हल्का हो गया हूँ, ऐसे तो हम झूल ही नहीं पा रहे, तो अब वो अपना बैग रख लेता है। वी आर ऑल एंजॉय, अब बैलेंस हो गया ना, दोनों बराबर हो गए हैं, है भाई। ठीक, अब उसमें बैग और राजू, और दूसरी तरफ रानी और असलम, अब वो झूल लेंगे, इस पे राइड कर लेंगे। ठीक है, हैवियर और लाइटर, हैवियर और लाइटर मतलब भारी और हल्का, दो की जब तुलना कर रहे हैं तो हैवियर और लाइटर होता है, भारी है उसके लिए हैवियर, हल्का है उसके लिए लाइटर। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसा गो डाउन, कि नीचे जो दो चीजें दे गई हैं उनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो सीसा को नीचे कर सकते है, यानी कि हैवी है। लुक एट द एग्जाम्पल, ये हमने कर दिया ना, एरो लगा के इसको मिला दिया कि इससे नीचे हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज है ये तो हल्की है, इधर चली जाएगी ये वाटरमेलन ही बेटा भारी रहेगा। ड्रो ए लाइन टू मैच द हैवी वन, अब जो भी हैवियर है यानी कि जिधर भी ये सीसा झुका हुआ है ना, तो उसमें तुम्हें इसमें लाइन से मिलाना है। जैसे घड़ा है, ये बोतल है, तो कौन से किस में ज्यादा होगा, घड़े में ही होगा ना, तो हम घड़े वाले को यहाँ से मिला देंगे, इधर घड़ा भारी जाएगा तब ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। यहाँ पे टू ग्लासेस है और एक जग मग है, तो मग में ज्यादा पानी आएगा इसलिए हम इसको ही यहाँ से मिला देंगे, जो भारी है हमें वो मिलाना है, हल्का नहीं मिलाना बेटा। एक मग है और एक बाल्टी है, तो किसका ज्यादा है, बाल्टी का ज्यादा है, तो बाल्टी इधर झुक जाएगी। ठीक है, कलर ऑफ वन विच इज लाइटर, इन सारी चीजों में से जो हल्की है उसको तुम्हें कलर करना है। टेनिस बॉल, इट होती तो हल्की सी है, फुटबॉल और स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। तो बेटा देखो, ये दोनों तो भारी हैं, टेनिस बॉल और ज्योमेट्री बॉक्स में से देखते हैं, यदि हम ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ सामान रखे हो, जैसे कई सारे पेन हो, पेंसिल हो, बहुत सारे इरेजर वगैरह हो, तो फिर उसमें वजन हो जाएगा। अगर खाली है तो ये हल्की रहेगी, इसमें हम कलर कर सकते हैं, कलर तुम्हें कर लेना है। ठीक है, और यदि ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगी, और अगर ये भरी है तो फिर ये टेनिस बॉल जो अपनी है वो हल्की होगी। तो इनमें से तुम्हें देखना, ये दोनों तो भारी ही रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। घर पे तुम अपने तोल के देखना, थोड़ा सा शीशा पे इस तरह से बैठ के देखना या सामान रख के देखना कि भी कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।